हेलो किड्स, आज हम कर्स एंड लाइंस ए में पढ़ेंगे। कुछ लाइन के पैटर्न्स दिए हुए हैं, आज हम उनको भी करना सीखेंगे। ओके, ये लाइन हम लिटिल मास्टर में सीख चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लांट लाइन। ओके, ये जो है इस लाइन डॉट पे हम पेंसिल रखेंगे, इसको आराम से हम करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सारे डॉट को कंप्लीट करिएगा। नीचे वाले भी पैटर्न को ऐसे ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, और यहाँ भी दिया हुआ है, ये भी आपको खुद से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से करिएगा। अभी हम आते हैं, आज अल्फ़ाबेट राइट करना सीखेंगे। आप ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? ए। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एक्स। ओके, तो आज हम राइट करना सीखेंगे ए। इसको क्या बोलिए? कर्सिव का ये है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी डॉट दिया है उस पर आपको वो डॉट को ट्रेस करते हुए इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और हमको सीखना है कि ए लेटर कैसे बनता है कर्सिव का। फर्स्ट हम क्या करेंगे, रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड डॉट, हम रेड डॉट पे पेंसिल रखेंगे। इसको हम फॉलो करते हुए बनाएंगे ए। आपको सारे लेटर ऐसे ही बनाना है, सारे डॉट को आप अच्छे से फॉलो करिएगा और एकदम केयरफुली करिएगा कि आपको लिखना भी आए। ये नहीं कि हम सिर्फ डॉट को ट्रेस कर लिए बस, हमको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है और हमें सीखना भी है खुद से राइट करने कि हम इसको कैसे राइट करेंगे, ठीक है ना। ये सारे डॉट हैं, आप इन पे राइट करिएगा, और ये जो नीचे के ब्लॉक्स दिए हुए, वन लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको खुद से राइट करना है। यहाँ पे सिर्फ रेड डॉट आपको दिखाई दिया है दे रहा है, और ए आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ई बनाना सीखेंगे। रेड डॉट पे पेंसिल रखेंगे, आप रेड डॉट पे पेंसिल रखें, ऐसे ऊपर गए, ठीक है। ऐसे बनाएंगे हम ये, ठीक है ना। इसी तरीके से हम पूरे लाइन को कवर करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे डॉट नहीं दिया है, बस रेड डॉट दिया है जिसमें आपको पेंसिल रख के खुद से राइट करना है। तो ये मैं यहाँ पे आपको लिखना बताऊँगी और आप पूरे पेज को खुद से राइट करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, रेड डॉट पे पेंसिल रखा हमने, ऊपर नीचे आ गए, फिर यहाँ से ऐसे करके उसको ऐसे कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हम ए बनाना सीखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या दिया है? राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उनका फर्स्ट लेटर आपको राइट करना है। ए फॉर एरोप्लेन, ये क्या है? ए फॉर एरो, ये क्या है? ए फॉर आर्म, ठीक है ना। ये हमको राइट करना है। आप लोग एकदम ध्यान से इसको लिखने का प्रैक्टिस करिएगा और स्कैन करके हमें ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके, बाय।